की कहना चाहते हो कि यूपी दे विच ये पहली घटना नहीं है कि जिहड़ी दलित परिवार दे नाल इदां होया। इहदा कारण जी जिहड़ी इस वेले देश विच राज कर रही मोदी दे जोगी ये मनुवादी ताकतां ने, ये सिख भाईचारे नूं दलित भाईचारे नूं ते मुसलमान भाईचारे नूं दबा के रखना चाहते हैं। कदी साडीआं बच्चिआं नाल रेप हो रहे ने कि ये जी मनुवादी सोच हैगी है, यही कहिंदे असीं घट गिणतीआं नूं दबा के रखीए तो असीं इहनां जुल्म करीए। आपां जिहड़े जोगी है तो या मोदी है इन्हें औलाद भी है नहीं, इन्हों अपने बच्चे का दर्द बच्चे की दर्द होंगे वा इन्होंने भी पता है, इन्हें ना कोई धी हैगी है, छड़े मलंग है, लोगों धियां मैं जाना जो बलात्कार करते हैं उन्होंने सजाव नहीं देंगे है, ये सारे कट्ठे रले हुए आपस उसके घरदिया तक वो घरदू एक कमरे के बंद करके उस कुड़ी की बॉडी ले जा के राती ढाई बजे संस्कार किया गया, ये कितने का कानून है सर? हुण मोदी भी मलंग हैगा वा तो जोगी भी मलंग हैगा ना, इन्हां दे कोई औलाद है कि बे औलाद आ, इन्हां नूं की पता किसी की कुड़ी का दर्द किसी की माँ का दर्द, इन्हां नूं कुछ नहीं पता है। जिहड़ा भी कोई साडी माँ भैन दे नाल इदां दी हरकत करेगा असीं खुद जाके उत्थे गोली उहदे मारांगे। एक दो दिन तक जे कोई सख्त एक्शन ना दिता गया असीं इत्थों पंजाब तों विचों इन्हां नूं इदां दी मूवमेंट छेड़ के दिखावांगे, उत्थे यूपी तक असीं हिला देंगे जी। साइन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं रविगिल। जिमें कि यूपी दे विच दिन प्रतिदिन गैंग रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो जिदा करके कि पूरे भारत दे विच पंजाब दे विच भी विरोध हो रहा, तो एक हाथरस दे विच जो यूपी दे विच पै रहा उहदे विच एक लड़की मनीषा नां दा गैंग रेप होया सीगा, जिहदे चार दोषी पुलिस वल्लों काफ़ी लेट फड़ भी लिते गए ने, पर उन्हां नूं हले तक कोई अजिही सज़ा नहीं सुनाई गई कि जिमें उन्होंने कुड़ी के नाल गैंग रेप किया, रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई, लत्तां तक तोड़ दी गई, जेरे इलाज उसकी मौत हो जाती है, पुलिस प्रशासन वालों उसकी रात में संस्कार भी कर दिया जाता है, उसके बाद पूरे दलित भाईचारे दे विच ते होर सिख सिख जथेबंदियों दे विच भी रोष जाहिर करन नू निकले ने। असीं गलबात करते हैं सिख जथेबंदी नाल, की नाम है जी तुहाडा? तजिंदर सिंह परदेसी जी, सिख तालमेल कमेटी तों। की कहना चाहते हो कि यूपी दे विच ये पहली घटना नहीं है कि जिहड़ी दलित परिवार दे नाल इदां होया, पर उत्थे दी जिहड़ी प्रशासन हैगी आ उह जिहड़े अजिहे कोई गलत हरकत करदे ने उहनां दा साथ देण नूं अक्सर ही दिखी जांदी आ, हुण भी उह उस लड़की दे नाल इन्नी भयानक घटना कीती, उहदे बाद 10 दिन तक उहदा इलाज नहीं कराण दित्ता गया, उहदे बाद उहदी मौत हो जांदी आ, उहदे बाद अद्धी रात नूं उहदा संस्कार कर दित्ता जांदा ते पुलिस प्रशासन हसदी होई दिखदी आ। इहदा कारण जी जिहड़ी इस वेले देश विच राज कर रही मोदी दे जोगी ये मनुवादी ताकतां ने, ये सिख भाईचारे नूं दलित भाईचारे नूं ते मुसलमान भाई नूं दबा के रखना चाहते हैं। कभी साडीआं बच्चिआं नाल रेप हो रहे ने, कभी किसी एक थान ते कतलेआम हो रहा, कभी मुसलमान नाल कतलेआम हो रहा, बहुत भयंकर गल है, असीं इहदी कोर निंदिआ करदे हां। दोषियों नूं सिर्फ चार दोषी नहीं गए, इहदे पिछे इक होर ताकतां ने, इहनां नूं चार कल नूं मुकाबले में आ के मार देणगे, पर इहदे पिछे जो ताकत उहनूं नंगा कीता जाणा चाहीदा। पर एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि पुलिस कार्रवाई बहुत लेट करती है, 10 दिन बाद चार दोषियों फड़ती है, पहले क्यों नहीं फड़िया गया? क्योंकि कुड़ी की जबान तक भी कट दी गई थी कि कुड़ी बयान ना दे सके। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। जिदा भाई ने कहा ये है सरकार की पॉलिसी है, ये सरकार की जो कहती सरकार कराती है, जेडे जिन्होंने ठाकुरों ने यह काम किया वा वो सरकार के अंडर आते होने हैं, ता ही तो कोई कार्रवाई नहीं करते पे, दिल्ली के भाईचारे घट गिनती इतने इतने इन्होंने वास्तव कोई कानून नहीं है, इन्होंने शुरू तो धक्के होंगे आए हैं, हूँ ही धक्के करते पे है कि यह जी मनुवादी सोच हैगी है, यही कहें अं घट गिनती दबा के रखीए तो असं इन्हें जुल्म करिए। आप कदों तक इधर धक्के होंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वालों भी एक स्लोगन दिता गया ही कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तुहानूं लगता है कि वो अपने स्लोगन के उतरते हैं? नहीं, वह तो जो कहते गल तो पूरा नहीं उतरते, हूँ लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं, हूँ इन्हों एक व्डा ही एक जो एक असं जन शहर दंगत रल के सिख जथेबंदियां दलित भाईचारा एक व्डा प्रबंध रखा तो इन्हें सरकार को चेतावनी देंगे योजे काम रुके जान, नहीं तो सरकार वास्ते बहुत मुश्किल काम होएगा। इदा नहीं लगता कि यह जी घटना गैंग रेप यूपी के बढ़ दिया जा रही ने, तो योगी सरकार का कहना है कि साड़ी जी उ सरकार बनी हुई है वो एक अजिहा कानून लैके आ रही है जे बहुत जल्दी दोषियों फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उन्होंने सज़ा दी जाएगी, पर फिर भी घटना बढ़ दिया जा रही ने। एक परसों है एक कल रात का भी यही घटना हो चुकी है, दोबारा एक होर यूपी के गैंग रेप हो चुका दलित परिवार की लड़की ने। हाँ जी, वही खबर पढ़ी है जी बलरामपुर की लड़की है, उन्होंने भी गैंग रेप होया वा, यही कहने धक्का बहुत ज़्यादा हो रहा उ
और जिदा मेरे वीर गोरे भी ने पहले भी किया वा कि हाँ भी जो योगी है तो या मोदी है इन्हें औलाद भी है नहीं इन्होंने अपने बच्चे का दर्द बच्चे की दर्द होंगे वा इन्होंने भी पता है इन्हें ना कोई धी हैगी है ये छड़े मलंग है लोगों का धियां मैं जो बलत्कार करते हैं उन्होंने सजाव नहीं देंगे है ये सारे इकट्ठे रले हुए आपस। सो साढ़े ना होर भी लोग मौजूद हैं इन्होंने गल की नाम है जी तो सब तो पहला सारे ही वीरां नूं जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि जय भीम जय भारत। मैं राजीव गोरा प्रधान भगवान वाल्मीकि शक्ति क्रांति सेना पंजाब। की कहना चाहते हो जिहड़ियां घटनां उहदे बाद घरदिआं दे उत्ते भी प्रैशर पाया जा रहा है कि तुसीं बयान ना दिओ जे बाहरलियां कोई जत्थेबंदियां जाके उहनां दी फैमिली दी सपोर्ट करन लई खड़दियां भी आ तो उत्थे दा पुलिस प्रशासन कहिंदा कि तुसीं इहनां जत्थेबंदियां नूं दूर करो कि बेइज्जती तुहाडी आ कि मतलब कि वो घरदियां भी प्रैशराइज किया जा रहा है कि तुम इन्हों भी साइड पर रखो सरकार जो पुलिस प्रशासन थोड़ी जिनी का हेल्प करती है उत्थे तो देखिया ही है कि पुलिस प्रशासन ने रात में संस्कार करवा दिता ढाई बजे जे हिंदू रीति रिवाजा की गल करिए छे बजे के बाद संस्कार नहीं हुंदा। सर यदा सिर्फ सुनने ही है फॉरमैलिटिया उत्थे सारे ने देखा कि उस कुड़ी का ढाई बजे संस्कार किया गया कि पुलिस प्रशासन कोल खड़े होकर हस रहे थे ना मीडिया वाले अगे जान दिता उसके घरदिया तक वो घरदियों एक कमरे के बंद करके उस कुड़ी की बॉडी में ले जा के राती ढाई बजे संस्कार किया गया ये कितने का कानून हैगा सर ये तुम देखो कि इन्होंने इन्ना गुंडा राज किया पाया जिन्होंने राम राज कहते इन्होंने गुंडा राज उत्थे किया पाया वा हुण मोदी भी मलंग हैगा वा तो योगी भी मलंग हैगा ना इन्हों कोई औलाद है कि बे औलाद आ इन्हों की पता किसी की कुड़ी का दर्द किसी की माँ का दर्द इन्हों कुछ नहीं पता है ये तो असी मोदी एक चेतावनी देना चाहते हाँ कि हुण भी जे आ बंद ना होया मजबूरन ही सानू इत्थों हथियार चकने पैने असी खुद जाके उत्थे फैसला करांगे जिहड़ा भी कोई साडी मां भैन दे नाल इदां दी हरकत करेगा असी खुद जाके उत्थे गोली उहदे मारांगे। यूपी दे विच अक्सर देखा जाता है जे यही कोई हरकत मुस्लिम परिवार का करता तो उन्हां वल्लों मिनटो मिनटी उस चीज़ की सज़ा सुना दी जाने सी क्योंकि उत्थे ज़्यादातर जातिवाद है यूपी दे विच सब तो ज़्यादा जातिवाद है कि दलित परिवार जो व्यवहार किया जाता है कि जातिवाद किया जा रहा है वह करके ही इतने घटना एड्डी वड्डी घटना हो चुकी है पुलिस प्रशासन भी नहीं कार्रवाई करता उत्तों जो सरकार की गल करिए सरकार वालों कहना है कि परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा दे दिया जाएगा नौकरी दे दी जाएगी पर इंसाफ कितने आ 10-10, 12-12 साल इंसाफ में लग जाते कार्रवाई फिर भी नहीं होंगी। सर सिर्फ मूवमेंट को शांत करने वास्ते इदा कह रहे हैं कोई किसी को 25 लाख नहीं मिले कोई किसी को नौकरी नहीं मिली ये सिर्फ मूवमेंट शांत करने वास्ते कह रहे हैं हुण उत्थे जिहड़ा भी जोगी सरकार हैगी आ उह गुंडिया की सरकार आ हुण जोगी के कहन ते ही सब कुछ हुंदा जो कुछ भी उत्थे हुंदा जोगी के कहन ते ही हुंदा वा हुण राती 2:30 बजे उहदा संस्कार होया तां जोगी घर बह के अपने लैपटॉप ते देख रहा सीगा वो सारे ने फोटोआं भी देखियां होणियां सब कुछ देखिया होना ये बहुत इन्होंने उत्थे गंदा राम राज फैलाया होया वा इहदा असीं पूरा विरोध करदे आ एक दो दिन तक जे कोई सख्त एक्शन ना दिता गया असीं इत्थों पंजाब तों विचों इन्हों इधर ही मूवमेंट छेड के दिखावे उत्थे यूपी तक असी हिला देंगे जी। सो बिल्कुल तुसी देख सकते हो असी सिख तालमेल कमेटी ते दलित भाईचारे नाल भी गलबात की उन्हों का कहना है कि जे इह जिहियां घटना दे उत्ते कोई जल्दी कानून नहीं बनता या जो इस केस दे विच दोषी ने उन्होंने जो बनती कार सज़ा नहीं दी जाती जल्द तो जल्द सो यह संघर्ष नालों भी तेज किया जाएगा सो उन्होंने आरोपियों को सज़ा सुनाने लिए देखना यह होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी कार्रवाई करता है। जलंधर तो कैमरामैन साहिल दे नाल रवि गिल दी रिपोर्ट। हुण समस्या भावें किड्डी भी होवे तुहानू घबराउण दी नहीं लोड़ श्री बालाजी दरबार करेगा तुहाडी हर समस्या दा संपूर्ण हल। तुसी रोंदे होए आओगे ते हसदे होए जाओगे जिवें कारोबार च घाटा ग्रह कलेश पति पत्नी च अणबण कीता किराया काम बनदे बनदे बिगड़ जाना मनचाहा प्यार विदेश यात्रा दुश्मन तो छुटकारा घर च खून दे छिट्टे आना वशीकरण ते मुठकरनी दे माहर पंडित मोहित कुमार जी हुण अपने हर दुख नूं सुख च बदलन लई हुणे कॉल करो 9958-36162 76962-099-83।